नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत पन्हेड़ा कला के सरपंच हैं मनोज धनकज। उनसे लगभग उनके कार्यकाल को 5 साल पूरे होने को आए हैं, कितने विकास कार्य उन्होंने अपने ग्राम पंचायत में कराए हैं। आइए जी सर, आपका स्वागत है। आप ग्राम पंचायत के लोगों को एवं क्षेत्रवासियों को बताएं, आप अपने कार्यकाल के दौरान पन्हेड़ा कला में कितने विकास कार्य कराए। मैं मनोज सरपंच गाँव पन्हेड़ा कला से। मैं अभी अपने गांव में वर्तमान में सरपंच हूं, और जहां तक गांव के विकास की जो बात है, मैं सरकारें भी पहले रही, गांव का जो हालत मैंने अपने सामने देखी थी सरपंच बनने के बाद, सरपंच बनने से पहले भी, मैंने तो ये माना है कि लगभग लगभग 35 साल के अंदर जो काम गांव के अंदर नहीं हुए, वो इस छोटे से 4.5 साल या 5 साल के पीरियड में काम हुए हैं। जैसे कि अगर आप देखें, हमारे गांव में शमशान घाट का तो इतना बुरा हाल था जी। कि मतलब अगर जब कोई अर्थी उसमें जाती थी, खुद मैंने देखा था कैसे कि मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो उस अर्थी में जो भी शरीक लोग हुए थे वो गाली दे जा रहे थे जी। मतलब लोग उसमें क्या करते थे कि उसमें बाथरूम लेटरिन तक उसमें कर जाते थे शमशान घाट में जी। आने जाने का रास्ता आने जाने का रास्ता था, लेकिन कोई सुविधा नहीं थी उसके अंदर जो सुविधा होनी चाहिए। जैसे सैड हो गया, जैसे सैड हो गया, या पानी की सुविधा हो गई, या कोई हॉल हो गया, या वो कच्चा होना चाहिए था, उसमें देखने को ऐसा कुछ भी नहीं था। उससे अलग चले हम थोड़ा सा कि हमारा स्कूल सन 1955 में स्कूल की जब चकबंदी हुई गांव की, तो स्कूल के लिए जो ग्राउंड छोड़ा गया था बच्चों के खेलने कूदने के लिए, वो आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ था जी। उसको हमने बाउंड्री वाल कराया, शमशान घाट में हमने अपना एक चिता जलाने का जो शेड होता है वो शेड डलवाया, एक हॉल डलवाया, पूरे शमशान घाट की बाउंड्री वाल जो हर साल गिर जाती थी उसको पक्का करवाया, उसको नीचे से हमने लॉकिंग टाइल से ग्रोट किया है। कहने का मतलब ये है कि उसमें पानी की सुविधा भी, जो सुविधा एक होनी चाहिए वो हमने उसमें सारी करी है। पेड़ लगाए हैं, फूलों के पेड़ भी हैं, घास भी छोड़ी है, बेंच भी बिछाए हैं जो लोग वहाँ बैठ सकें जी, जी, जी। उसके बाद चलते हैं हमारे बारात घर जो है ना, शारदा रानी जो हमारे यहाँ से MLA थी उस टाइम, तो एक बारात घर बना हुआ था पंडितों के मोहल्ले में। हमने कोई जाति पक्ष नहीं किया कि भाई जाटों को बनना चाहिए या पंडितों को बनना चाहिए, क्योंकि पंडितों की हमारे गांव में आबादी बहुत ज़्यादा है, लगभग लगभग 1200 वोट पंडितों की हैं जो मेरा मानना है। उसके बावजूद भी हमने देखे कि भाई दो मोहल्ले हैं, तो हमने एक मोहल्ले में तो दो बरातघर हो गए, दूसरा एक हमारा गोठा मोहल्ला है, वो थोड़ा छोटा मोहल्ला है पंडितों का ही, नूरी की झोड़ पे जगह उन्होंने बताई, निश्चित करी गांव बस्ती ने, हमने वहां पे भी एक बरातघर बनवाया है। या आप चले, हमारा एक दोनों गांवों का बहुत प्राचीन मंदिर है, उसको बोलते हैं पेरी की मंदिर जी। सिद्ध बाबा भी बोलते हैं क्योंकि सिद्ध जगह है वो जी। हमने उसको रास्ते को भी पक्का करवाया, बहुत सहयोग हमारे एक्स जो विधायक साहब रहे हैं अपने पंडित टेकचंद शर्मा जी, उनका जो है इतना सहयोग हमारे साथ रहा कि हमारा जो गांव था उन्होंने विपुल गोयल जी को गोद दिलवाया जी। सारा मेहनत चंडीगढ़ जाना जो भी, मतलब मैं मानता हूँ कि विधायक साहब ने हमारा काफ़ी सहयोग किया था हमारे विकास कार्यों में। दोनों मोहल्लों में फिर हमने पंडित चौपाल थी उनकी जी, दो की जज्जर पड़ी हुई थी, मेरा मानना नहीं, मैंने लोगों से बात भी करी है, सुनी है उनकी परेशानी। यहाँ तक नौबत थी कि उन चौपालों के अंदर लोग बात क्या करते थे, छोटे बच्चे की लेटरिंग जो होती है ना, उसको पिन्नी में पैक किया और चौपाल में डाल दिया जी। हमने जब सुना, विधायक साहब से कही, उनसे हमने गुहार लगाई कि विधायक साहब देखो पंडितों का काम है, और हम जैसे तैसे, देखो मैं तो अपनी गांव से गुजर से बिलोंग करता हूँ जाति से जी, लेकिन मैंने कुछ ऐसा पक्ष नहीं समझा कि मैं गुजर हूँ या जाटों का काम करूँ या पंडितों का काम करूँ, मैंने तो ये सोचती कि गांव का विकास होना चाहिए। हमने दोनों मोहल्लों की, गोठा मोहल्ला, भेंगड़िया थोक जो हमारा है, दोनों मोहल्लों की चौपाल बनाई। हमारे गाँव में तीन परिवार चौधरियों के भी हैं, चौधरी परिवार की भी हमने चौपाल बनाई, जिला परिषद से हम 14,10,000 रुपये लेके आए और काफ़ी अच्छी हमने चौपाल बनाई। उसके उपरांत हम चलते हैं, जैसे कि अपना हमारे यहाँ पे कुम्हारों की चौपाल पेंडिंग थी, या दो हरिजन चौपाल हैं, एक स्कूल के पास बनी हुई है, एक हमारे मोहल्ले में आती है 10 विषय के अंदर। या फिर हम चलें 2005 की योजना में वाल्मीकि में से एक हमारी ताई लगती हैं, श्यामा ताई बोलते हैं उनको, उन्होंने अपने टाइम पीरियड में एक चौपाल बनाई, वाल्मीकि चौपाल। वाल्मीकि चौपाल में ना गेट था, ना टॉयलेट था, नीचे से कच्ची, ना कोई बाउंड्री है, ना कुछ है, वो चौपाल भी ऐसे ही पेंडिंग पड़ी हुई थी जी। हमने उनका भी चौपाल का काम किया, दोनों SCO का किया, प्रजापत चौपाल थी उसका किया, यानी कि हमारे कार्यकाल में तीन चौपाल हमने नहीं बनाई। दूसरा के जो चौपाल थी
जैसे अधूरी है भाई, इसमें गेट नहीं है या ग्रिल नहीं है, टॉयलेट नहीं है या पानी की सुविधा नहीं है, वो हमने सारी कराई। उसके बाद हम चलते हैं जो स्कूल की बाउंड्री वाल थी, जिसमें बच्चे खेल सकें, अपना अपना क्रिकेट खेल सकें, दौड़ लगा सकें, उसको भी हमने उसकी भी बाउंड्री वाल कराई। दूसरा, अगर करें हम शिक्षा की बात, शिक्षा की बात पर जाते हैं विनोद जी, तो शिक्षा के लिए भी हमने पहले विधायक साहब से भी बोला था कि भाई हमारे स्कूल को जो ये प्राइमरी तक है, 5वीं क्लास तक है ये स्कूल, कम से कम हमारा मिडिल तो हो जाए 8वीं तक। चलो ठीक है, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, आप विधायक साहब बने हैं, उसकी भी हमने फाइल चंडीगढ़ लगवाई हुई है। और जहाँ तक मेरे बड़े भाई बताऊँ आपको कि जो स्कूल की हालत उस टाइम थी, मेरे अभी भी फोटोग्राफ्स हैं स्कूल के, कहीं मलबा पड़ा है, कहीं डस्ट पड़ी है, कहीं घास खड़ी है। आज आप जाके देखें, मैंने स्कूल पे विशेष ध्यान दिया है, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे उसमें पार्क डेवलप करने की बात हो, चाहे उनमें हरे भरे पेड़ों की बात हो या डेंट पेंट की बात हो। अच्छा सरपंच साहब, एक बात और करें, आप पर एक दबंग होने का आरोप लगता है कि मनोज दबंगी करते हैं, विकास कार्य कराने के लिए अधिकारी उससे लड़ पड़ते हैं, क्या ये सच्चाई है किस बात में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दबंगी अफसर से थोड़ी लड़ा जाएगा। नहीं, काम कराने के लिए। काम कराने के लिए तो लड़ा जाएगा जी, चाहे वो हमारे विधायक साहब हों, चाहे एक्स विधायक थे, चाहे एक चीज का और आरोप लगता है कि मनोज धनखड़ क्लियर कह देते हैं कि भाई मैं कृषपाल गुर्जर मेरे नजदीक है, मैं विकास कार्यों के लिए और कुछ भी करूंगा। दूसरा, लेकिन एक चीज और है कि वो कहीं ना कहीं डराने का भी काम करते हैं, सच्चाई है इस बात में? गाँव के कुछ लोगों ने हमसे ऐसा कहा है। देखिए, गाँव में आपको हर तरह के आदमी मिलेंगे, कोई मेरी बड़ाई भी करेगा, कोई मेरी बुराई भी करेगा। जहाँ तक बात है आपकी अपने मंत्री जी की, कृष्णपाल गुर्जर जी की, एज ए मेरे वो बड़े भाई हैं, मेरा घर जैसा उनसे संबंध है। मैं भी उनसे क्या पैसे की लड़ाई करता हूँ कि जी मेरे को पैसा दो, गांव में काम करने हैं। अदरवाइज मैं कभी ये दबंगी नहीं दिखाऊंगा कि भाई मैं मंत्री का आदमी हूँ या MLA का आदमी, तो गाँव में इस तरह की बात करूँ, वो तो सब बेकार की बात है। लगभग कितने के विकास कार्य करा देंगे आपने अपने गाँव में अभी? देखिए, लगभग लगभग मैं आपको अंदाजा बता रहा हूँ, 1.5 करोड़ से कुछ ऊपर तो हमारा आया था अपने मंत्री जी विपुल गोयल जी का, जिन्होंने हमारे दोनों गांव, दोनों पनेड़ा ही गोद ले रखे थे। और जहां तक विधायक साहब की बात है, जहां तक मंत्री जी की बात है, तो लगभग मेरा मानना यही है कि 3 करोड़ से ऊपर के काम हमारे गांव के अंदर हुए हैं जी। अभी जो शेष कार्यकाल रहा है, इसमें जैसे कि आपने अलॉट करा चुके होंगे पैसा या पास करवा चुके फाइलें, कौन से कार्य रहने जो अभी आप कराएंगे इस दौरान? देखिए, जैसा कि मुझे अज्ञात हुआ है, अभी हमारी दो जोहोड़ हैं जो कि दोनों ही आबादी के अंदर आती हैं जी, एक जाटो वाली जोड़ है, एक हमारे भेंगड़ा थोक में, मतलब कहने का गांव की जोड़ है लेकिन आबादी के अंदर आ चुकी है, जिनकी वजह से गांव में बारिश हो जाए तो इतना पानी भर जाता है कि लोगों के घरों में पानी भर जाता है जी। पीछे क्या हुआ था कि हमने एक पाइपलाइन डाली भी थी वहां, और वो ड्रेन में जाता है फतेहपुर बलोच वाले में जी। हमने मतलब तकरीबन ये समझो कि 6 महीने तक जोड़ खाली पड़ी रही जी। लेकिन कुछ तरह के उपद्री आदमी कह लो या अपोजिशन वाले आदमी कह लो, उन्होंने क्या किया, क्योंकि मेरे गांव में कोई पंचायत की आमदनी तो है नहीं जी, बिजली का जो कनेक्शन था, हमने जैसे डायरेक्ट मोटर डाल के चला दी थी भाई, हमने तो गांव के लिए जनहित में और गांव के हित में ही तो काम किया था। लेकिन ऐसे विपक्षी लोग थे जिन्होंने हमारे ऊपर, दोनों मोटर पानी चल रही थी मौके पे, जोड़ बिल्कुल खाली थी, और फिर भी बिजली का छापा डलवा दिया। छापा डल गया तो LN1 भर गई, 3,25,000 रुपये मेरे एक चाचा हैं परिवार में ही, और मेरे पिताजी खुद भर के आए जी। तो निजी कोष से? निजी निजी अपनी जेब से जी। फिर मेरा उससे मन हट गया कि जब मैं इतना काम करके लोगों को दे रहा हूं। एक सवाल और है, ठीक है, आप गांव के लोगों का सहयोग कैसा रहा विकास कार्यों में? देखिए, कहीं थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन काम करने में तो खैर मेरे को सहयोग ही मिला था। कुछ शिकायतकर्ता भी होते हैं, कुछ काम रुकवाने वाले भी होते हैं, लेकिन अपना तो यह है जी, जैसे कहते हैं ना, अर्जुन की आंख पे नजर थी, तो हमारे तो काम पे नजर रहती है जी कि हमें ये काम किस तरह से करना है। अच्छा मनोज जी, लगभग कितने के विकास कार्य करवा चुके होंगे टोटल, अगर एक अमाउंट की बात करें? लगभग अमाउंट मेरा यही मानना है जी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, 3 करोड़ से ऊपर ऊपर के काम मैंने करवाए हैं अपने गांव के अंदर जी। और शायद ही बता रहा हूँ आपको कि जितना विकास हमने किया है ना 30 से 35 साल के अंदर, मैंने अपने गांव के अंदर इतना विकास नहीं देखा जी। असल में सर, दोबारा से चुनावी प्रक्रिया में जाएंगे, दोबारा से चुनाव लड़ेंगे क्या आप? देखिए, अभी तो चुनाव में कुछ देरी है, अगर चुनाव आएंगे, बस्ती का सहयोग रहेगा, स्नेह प्यार जैसा पहला था वैसा मिलेगा, बस्ती चाहेगी, कोई दिक्कत नहीं जी, फिर लड़ेंगे। और फिर अब विधायक साहब नैनपाल जी आ गए, उनसे पैसे लेंगे, फिर विकास करेंगे गांव के अंदर लड़ करके। बिल्कुल लड़ करके जी, होगा जी विकास तो जी, अगर हार गए तो घर बैठेंगे जी। अच्छा, वर्तमान सरकार राइट टू रिकॉल लेकर के आई है कि जो सरपंच कार्य नहीं करेगा ढंग से तो 1 साल बाद उसको हटाया जा सकता है। दूसरा, 50% महिला आरक्षण की बात कही है, इस पर कोई प्रतिक्रिया आपकी सरपंच होने के नाते? देखिए, सरकार से तो लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी,
जहां तक वो कह रहे हैं जो ये बिल विधानसभा में पास हुआ है, भाई होना भी चाहिए, जब कोई सरपंच काम ही नहीं करेगा तो फिर सरपंच काहे का है वो। नहीं, लेकिन ज्यादातर सरपंच इसका विरोध कर रहे हैं कि एक साल में तो पुराने सिक्के दूर नहीं होते, फिर एक साल बाद फिर हटा देंगे, इससे तो करप्शन बढ़ेगा, गरीब आदमी सरपंच ही नहीं कर पाएगा इस तरीके से। तो देखिए, चलो हम तो जैसे मान के चले भाई 5 साल में कुछ सीखा भी है, कुछ जान पहचान भी बनाई है, लेकिन जो यंगस्टर जो लोग आएंगे, या जैसे 50% अभी मतलब बता रहे हैं कि भाई महिला आरक्षण है जी, तो उनको तो 1 साल 1.5 साल तो सीखने में लग जाएगा, ये काम कैसे कर पाएंगे जी। कहीं तक ये मेरा भी मानना है कि ये जो बिल है, ये जो सरकार जो दबाव सरपंचों पर बना रही है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गलत है। आप कोई संदेश देना चाहेंगे विपक्ष के लोगों को और गांव के लोगों को? देखिए, मैं तो गांव के लोगों को और विपक्ष के लोगों को यही सहयोग दूंगा, यही बात रखूंगा अपनी कि भाई जो 5 साल के लिए टाइम पीरियड के लिए जो सरपंच या पंच जो भी गांव में विकास करता है उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका जो है ना आलोचना करनी चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए, काम करवाना चाहिए उससे, भाई ऐसे नहीं ऐसे कराओ, सरपंच को मना थोड़ी करता है जी। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, ग्राम पंचायत पनेड़ा कला के सरपंच हैं मनोज धनकस, उन्होंने कहा कि लगभग 35 वर्ष के कार्यकाल उनके उम्र के हिसाब से उन्होंने बताया कि 35 वर्ष में इतने विकास कार्य नहीं हुए जितने मैंने अपने गांव में कराए हैं। दूसरा, लगभग 3 करोड़ के आसपास विकास कार्य वो करवा चुके हैं, और 3 चीज़ें वो मुख्य रूप से लेकर के चले, गाँव की शिक्षा, चिकित्सा एवं व्यवस्था, तीनों चीज़ों पर उन्होंने ढंग से जोर दिया। उन्होंने विस्तार से सारी चीज़ें आपको बताई और आपने सुना। उन्होंने कहा है कि अगर गांव का आशीर्वाद रहा तो दोबारा चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन महिला सीट होने के कारण वो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव अगली बार लड़वाएंगे। तो आप सभी का अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो कृपया शेयर जरूर करें। धन्यवाद।